इस प्रोजेक्ट को यूनिक बनाती है इसकी लोकेशन जो है बहुत ही ज्यादा पीसफुल एंड फुल ऑफ ग्रीनरी ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है सिटी के बीचों बीच बट जब भी आप यहाँ पे आएंगे आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होने वाला है कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है एंड प्रोजेक्ट की जो वाइब है ना गाइस वाओ no suburbia. I just want somewhere that the blue skies are. So come with me to a place afar where the palm trees dance and sway. So run with me. If we leave right now, we might make it in time. The sunset is fading, but the light's not gone. The ocean waves have just begun. The water is calm in the night. आज का हमारा प्रोजेक्ट लोकेटेड है 115 सेक्टर मोहाली में एंड प्रोजेक्ट का नाम है लीला ऑर्किड ग्रीन्स इट्स अ कंप्लीट 6.3 टाउनशिप पूरी गेटेड टाउनशिप रहने वाली है जिसमें एंट्री में ही आपको मिल जाता है आपका एंट्री एंड एग्जिट गेट विद फोर विदर्स सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी का आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई इशू नहीं होने वाला है तो आज इस प्रोजेक्ट में हम देखने वाले हैं एक थ्री बी एच के अपार्टमेंट अंडर मेवान कंस्ट्रक्शन अगर आप भी सर्च कर रहे हैं मोहाली में मेवान के अंदर थ्री बी एच के तो ये प्रोजेक्ट रहेगा आपके लिए कनेक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो आज का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये कनेक्टेड रहने वाला है आपके खरड़ लान्रा हाईवे के साथ एंड अगर हम अपकमिंग रोड्स की अगर बात करेंगे पी आर सिक्स रोड यहाँ पे आपका आने वाला है एंड अगर इसके बैक साइड पे बात करूंगी तो यहाँ पे आपका मोहाली बाईपास रोड भी बनने वाला है जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी इन फ्यूचर क्योंकि तीन मेजर हाईवेज कनेक्ट हो जाएंगे प्रोजेक्ट के साथ तो अगर एट प्रेजेंट मैं बात करूंगी प्रोजेक्ट का जो रेट है वो बहुत ही अफोर्डेबल है इन फ्यूचर जैसे ही ये आपके रोड्स बन जाएंगे यहाँ पे डेवलपमेंट और भी ज़्यादा हो जाएगी तो इसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाइप कर जाएंगे तो अगर आप भी मेवान के अंदर थ्री बी के लेना चाहते हैं ऐसी लोकेशन पर तो दिस इज़ द राइट टाइम आज ही कॉल करें हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर अगर बात करते हैं प्रोजेक्ट के नियर बाई प्लेस के बारे में तो यहाँ पर आपका सी जी लांड्रा नज़दीक आ जाता है क्वाक सिटी यहाँ पर है आपका Uh, अगर स्कूल कॉलेज की बात करूंगी तो वो भी यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपके हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स आपके यहाँ पे नियर बाय में आ जाएंगे प्रोजेक्ट में अगर इम्यूनिटीज़ की बात करेंगे तो बहुत सारे इम्यूनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने वाली है जैसे कि प्रोजेक्ट के बीच में सेंट्रलाइज ये डेढ़ एकड़ का काफ़ी बड़ा पार्क जिसके अंदर आपको ओपन एयर जिम आपके गज़ीबोज वॉकिंग ट्रैक्स जॉगिंग ट्रैक्स सारी चीज़ें मिल जाएंगी एंड ऑलरेडी सारी चीज़ें बन भी चुकी हैं उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने 2000 प्लस ट्रीज जो है वो ऑलरेडी लगा चु, आ, चुके हैं जिनमें नॉर्मल एंड हर्बल ट्रीज आपके दोनों आ जाएंगे तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लगी है प्लस आपको मिल जाएगा नाइन थाउजेंड के अंदर बना हुआ इनका क्लब हाउस जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं इसका कंस्ट्रक्शन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे आ चुका है आ बस इसमें आपका जो सारा सेटअप है वो लगना बाकी है इसमें आपको बहुत सारे इम्यूनिटीज मिल जाएंगी जैसे कि आपका कवर्ड स्विमिंग पूल यहाँ पे रहने वाला है आपका बैंकवेट हॉल आ जाएगा इंडोर गेम्स आ जाएंगी आपकी मेडिटेशन एरिया रहेगा एंड रूफ टॉप पे आपका यहाँ पे रेस्टोरेंट रहने वाला है ओपन टू स्काई जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं जब भी आपके पास यहाँ पे टाइम हो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करेंगे ना तो अगर आप अपने लिए लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोकेशन बहुत अच्छी है अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहे हैं तब भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका सी डी है नजदीक में तो आपका क्वाक सिटी है तो रेंटल्स की अगर मैं बात करूंगी तो वो भी आपका बहुत फायदेमंद यहाँ पे रहने वाला है प्रोजेक्ट की अगर इनर रोड्स की बात करेंगे तो आप देखिए कितने वाइड यहाँ पे आपको रोड मिलने वाले हैं आपको ट्रैफिक वगैरह का कोई इश्यू नहीं होगा साथ ही बात करते हैं हमारे टावर्स के बारे में तो ये आपको मिल जाते हैं एस प्लस इलेवन कंसेप्ट के साथ मेवान के आ, साथ आ जाएंगे मेवान कंस्ट्रक्शन आपकी रहने वाली है स्टिल्थ में आपकी कंप्लीट पार्किंग रहेगी एंड ऊपर सारे आपके फ्लैट्स आ जाएंगे तो so, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे एक थ्री बी के अपार्टमेंट जो आपको मिलने वाला है डुअल एंट्रेंस के साथ सिक्सटीन फिफ्टी फीट में ये अपार्टमेंट रहने वाला है तो आइए चलते हैं ऊपर एंड आपको अपार्टमेंट के बारे में बताती हूँ सो so गाइज कुछ इस तरीके का आपका कॉरिडोर एरिया रहने वाला है एक फ्लोर पे चार अपार्टमेंट्स रहेंगे दो ईस्ट फेसिंग एंड दो वेस्ट फेसिंग सेंटर में यहाँ पे दो लिफ्ट आ जाएगा आपका एंड दो ही आपके स्टेयर केस रहने वाले हैं तो यहाँ है हमारा आज का सैंपल अपार्टमेंट जिसमें जैसे ही आप एंटर करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है आपका ड्रॉइंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया मुझे पर्सनली इस फ्लैट का लेआउट बहुत अच्छा लगा है इमेजिन कि यहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल लगा है यहाँ पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं एंड ब्यूटिफुल व्यू आउट साइड योर विंडो यहाँ पे आपका पूरा बालकनी आ जाएगा लाइक like, wow, मुझे बहुत पसंद आया इस का तो अगर हम स्पेस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका यहाँ पे मेन डोर रहेगा ये आपका पूरा ड्रॉइंग स्पेस आ जाता है जहाँ पे इजिली आप यहाँ पे फाइव टू सिक्स सीटिंग अरेन्ज कर सकते हैं इस साइड आपका स्क्रीन आ जाएगा जहाँ पे आप अपना एल पैनल वगैरह बना सकते हैं वैसे भी स्क्रीन लगा सकते हैं नॉर्मली भी लगा सकते हैं फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आप देखिए ऊपर काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड यहाँ पे जो सैंपल में इन्होंने जो भी इंटीरियर वर्क करवा रखा है ये भी बहुत ब्यूटीफुल है तो यहाँ से भी आप आइडियाज ले सकते हैं अपने फ्लैट को डेकोरेट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको इस साइड बताया था कि यहाँ पे हमारा डाइनिंग एरिया आ जाएगा बिल्कुल आपकी बालकनी के सामने यहाँ पे आपका पूरा विंडो आ जाएगा विद टफन ग्लास ये जो बालकनी है आपकी ये आपकी बिल्कुल सेपरेट बालकनी रहने वाली है जिसमें कुछ इस तरीके का स्पेस आ जाएगा आप देखिए यहाँ पे ना उन्होंने काफी ब्यूटीफुल से प्लांट्स लगा के रखे हैं आप चाहेंगे यहाँ पे अपने सिटिंग एरियाज भी बना सकते हैं जब भी आपको बाहर बैठने का मन करे आप यहाँ पे अपना सिट आउट कर सकते हैं फॉर द सिक्योरिटी पर्पज रेलिंग का हाइट भी काफी अच्छा है एंड इसी के साथ ज्वाइंट यहाँ पे आ जाएगा हमारा कंप्लीटली मॉडलर किचन जिसमें आपको हॉप चिमनी एंड आर ओ विद परचेस प्रोवाइड किए जाएंगे यहाँ पे आपका पूरा कुकिंग काउंटर आ जाएगा गैस पाइपलाइन के लिए यहाँ पे स्पेस है अपो कैबिनेट्स आपके कुछ इस तरीके के रहेंगे लो कैबिनेट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके विद सॉफ्ट क्लोजर आ जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं इस साइड आ जाएगा बिल्कुल आपका जुल सिंक विद टू टैप्स यहाँ पे आर ओ आपका यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे भी आपके ऊपर कैबिनेट्स रहेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका गीजर एंड इसके साथ भी आपका बैल्कनी जो है वो कनेक्टेड रहने वाला है ये बेल्कनी आपके सेकेंड बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा विच इज किड्स बेडरूम इसमें भी आप देख सकते हैं स्पेस अगर आपको गार्डनिंग वगैरह करने का शौक है तो वो भी आप यहाँ बालकनी में कर सकते हैं वॉशिंग वगैरह का एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं क्योंकि टैप्स वगैरह यहाँ पे सारे प्रोवाइडेड रहेंगे आपके गाइज ये डोर भी आपका विद टफन ग्लास रहेगा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है यार जैसे हम इस डोर को खोल रहे हैं बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है हवा आ रही है जैसे हमने इसको बंद कर दिया बाहर से बिल्कुल शोर नहीं आ रहा आपको शायद माइक की वजह से पता नहीं चलेगा बट इट्स राइट सो ये था हमारा ड्राॅइंग डाइनिंग एंड किचन अब चलते हैं हमारे रूम्स की तरफ तो यहाँ पे आ जाएगा एक पैसेज जहाँ पे आपके दो रूम्स कनेक्टेड रहने वाले हैं एंड यहाँ आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम जो आपका बिल्कुल सेपरेट रहने वाला है सो so गाइज ये जो फ्लैट है ना आपका ये डुल एंट्रेंस के साथ है तो इस रूम के लिए आपको एंट्रेंस यहाँ से भी मिल जाती है तो जैसे रेंट आउट के पर्पज़ से अगर आप यूज़ करना चाहते हैं पीजी वगैरह किसी को रेंट आउट करना चाहते हैं तो वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सेपरेट एंट्री है तो आपका प्राइवेसी वगैरह बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा विद वॉशरूम ये रूम आ जाएगा आपका सेंटर पे बेड यहाँ पे देख सकते हैं uh, बहुत ही ब्यूटीफुली इस रूम को अगेन इन्होंने डेकोरेट करके रखा है साइड आपके कबर्ड्स आ जाएंगे विद सामने वाली वॉल पे आ जाएगा आपका स्क्रीन के लिए स्पेस एलईडी पैनल वगैरह बना सकते हैं यहाँ रहेगा वॉशरूम सो so, वॉशरूम का स्पेस काफी अच्छा है जैगवाड़ की सारी फिटिंग्स रहेंगी बाथिंग सेक्शन सीट आपका यहाँ पे सिंक आ जाएगा फुल वॉल पे टाइलिंग रहने वाली है आपके एग्जॉस्ट के लिए गीजर के लिए सारे प्रोविजन मिल जाएंगे इसके साथ भी यहाँ पे आपकी जो बैल्कनी है वो कनेक्टेड आ जाएगी सो so, ये रहेगी बैल्कनी जो आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड है स्पेस देख लीजिए कुछ इस तरीके का रहने वाला है इसमें भी आपके जो डोर रहेंगे वो आपके विद टफन ग्लास रहने वाले हैं सो दिस वॉज फर्स्ट रूम एंड नाउ नाउर कम्स आर लेफ्ट ओवर टू रूम्स ये पैसेज आ जाएगा बीच में आपका जो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट कर रखा है यहाँ पे आप ये बहुत ही सुंदर सा डेकोरेशन मीरड वर्क देख सकते हैं प्लांट्स वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं तो जब भी आप ये फ्लैट बाय करेंगे ना आप यहाँ से आइडिया जरूर लीजिएगा इसको डेकोरेट करने के लिए क्योंकि ये पैसेज आपका स्पेशली एंड इसका डाइनिंग एरिया मुझे बहुत अच्छा बहुत पसंद आया मतलब बहुत ही यूनिक सी चीज है सिंपल एंड सोबर सो इसमें दो बेडरूम्स आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा हमारा किड्स बेडरूम जिसका साइज देख लीजिए आप सेंटर में बेड है आपका साइड टेबल्स हैं यहाँ पे स्टडी टेबल बना सकते हो उस साइड आपके कबर्ट्स आ जाएंगे ये वॉशरूम आ जाएगा बेसिन है आपका सीट है बाथिंग सेक्शन फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन विंडो भी प्रोवाइडेड है एंड एग्जॉस्ट के लिए गीजर के लिए सारे प्रोविजंस मिल जाएंगे इसी के साथ आपका जो बालकनी अटैच्ड है वो आपका किचन के साथ वाला बालकनी रहेगा जो मैंने आपको वहां से भी दिखाया था अब देखिए फ्रंट वाली वॉल यहां पे सारे रूम्स में ना आपको यहां पे स्क्रीन लगा के दिखाई जाती है बट इट्स किड्स बेडरूम तो हमने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना होता है तो आप कुछ ऐसा लगा सकते हैं उनके रूम में जो उनके पसंद का हो और उन्हें अच्छा भी लगे सो so, इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे हमारे कबर्ड्स ये कुछ लेआउट रहेगा ऊपर भी स्पेस आ जाएगा एंड नीचे भी स्पेस है फुटवे वगैरह आप नीचे रख सकते हैं सो so, ये था हमारा किड्स बेडरूम अब इसमें आ जाएगा हमारा मास्टर बेडरूम ये ये जो रूम है बाकी रूम्स के मुकाबले आपका थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है जिसमें जो आपका वॉशरूम है वो इसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा एंड बाहर से भी कनेक्टेड रहेगा तो आपके गेस्ट वगैरह भी इसको यूज कर सकते हैं यहाँ से सेकेंड डोर आ जाएगा इसका इसमें आपका सीट है बेसिन बाथिंग सेक्शन आप देख सकते हैं प्रॉपर फुल वॉल का टाइलिंग वगैरह प्रोवाइडेड है फॉर लाइट इन वेंटिलेशन यहाँ पे आपका विंडो भी है एग्जॉस्ट के लिए भी प्रॉपर स्पेस बना हुआ है कमिंग बैक टू आर रूम सो इसमें आप देखिए सेंटर में आपका बेड है जो इन्होंने काफी अच्छे तरीके से प्लेस करके रखा है साइड टेबल्स आ जाएंगे एंड दोनों साइड यहाँ पे कवर मिल जाएंगे अगर कोई कपल भी रूम में रह रहा है ना तो उनका भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है एक एक अलमारी ले, ले लीजिए अपने अपने कपड़े अलग सेट कर लीजिए सो so, कुछ इस तरीके का लेआउट है एंड uh, यहाँ पे देखिए स्क्रीन आ जाएगा आपका सामने बिल्कुल एलईडी पैनल के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड स्पेस मिल जाता है यहाँ पे आपको जितना मर्जी बड़ा स्क्रीन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं uh, बेड आ गया रूम में आपका एलईडी पैनल बन गया उसके बाद भी हमारे पास इतना स्पेस बच जाता है कि हम एक काउच रख सकते हैं यहाँ पे या फिर एक सोफा लगा सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे सेटिंग के लिए स्पेसिस क्रिएट कर सकते हैं सो so, ये बहुत अच्छी बात है एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारा बालकनी भी कनेक्टेड है अगेन ये इसका सेपरेट बाल्कनी आ जाएगा सो इस घर की हर एक बाल्कनी से आपका जो पार्क है वो सामने आप देख सकते हैं जब भी बैठेंगे इंजॉय कर सकते हैं सेम इसमें भी आपका टफन ग्लास आ जाएगा बाल्कनी के डोर में सो so वाइज इसी रूम के साथ हमारा इस थ्री बी के का टूर कंप्लीट होता है अब मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट घुमा चुकी हूँ अम्यूनिटीज मैंने, मैंने आपको बता दी है लोकेशन मैंने डिफाइन कर दी है आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या फिर अपने रहने के लिए देख रहे हैं दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है मेवान के अंदर आपको ये फ्लैट मिल रहा है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में अगर आप भी थ्री बी एच के सर्च कर रहे हैं मोहाली में किसी पीसफुल एंड फुल ऑफ ग्रीनरी सी लोकेशन पे तो ये फ्लैट आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है एक तो एक बार तो आपको विजिट करना ये बनता ही है मतलब ये गारंटी मेरी आपको है कि आप अगर एक बार इसको देखेंगे आपको ये बिल्कुल पसंद आने वाला है तो अगर आपको इसके बारे में कुछ और पूछना है इन चीज़ों के अलावा या फिर इनमें भी आपकी कोई भी क्वेरी है आप स्क्रीन पे नंबर देख सकते हैं उस पर आप कॉल कीजिए हमारा सेल्स टीम आपको असिस्ट करेंगी एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर